नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालकों को स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है ज्ञान कृषि। मैं हूं आपका दोस्त विकास। किसान भाइयों, हर पशुपालक भाई यही चाहता है कि उसका जो पशु है दोस्तों, उसकी जो गाय और भैंस है, वो सही समय पे हीट पे आए दोस्तों। क्योंकि अगर हमारा पशु जो है सही समय पे हीट पे नहीं आएगा तो वो सही समय पे गाभिन नहीं होगा और सही समय पे उसकी डिलीवरी नहीं होगी दोस्तों, जिसके कारण से जो है हमारा जो दूध उत्पादन है, जो हमारा डेयरी फार्मिंग है, वो पूरा का पूरा प्रभावित होता है। इसलिए दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे पशु का सही समय पर हीट पे आना। तो उसके लिए दोस्तों हम जो है एक संतुलित रेगुलर पशु आहार देते हैं दोस्तों, लेकिन कई बार क्या होता है, एक ही प्रकार का आहार देने से जो है हमारे पशु के शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और कुल मिलाकर हमारे जो पशु है उसके शरीर में हार्मोन की इम्बैलेंस होने के कारण से हमारा जो पशु है वो सही समय पर हीट पर नहीं आ पाता। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसे आप मात्र 10 दिनों तक करेंगे तो आप अपने पशु को जो है दोस्तों सही समय पर हीट पर ला सकते हैं। और ये उपाय दोस्तों बहुत ही सस्ता और सरल है, इसे आप अपने घर पर बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों इस उपाय में हमें जो है 250 ग्राम गेहूं लेना है और उसे जो है अच्छे तरीके से अंकुरित कर लेना है दोस्तों। और ये जो अंकुरित गेहूँ होते हैं दोस्तों, इसमें जो है प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे हमारे पशुओं के पाचन तंत्र को तो दुरुस्त करते ही हैं, साथ में उसके शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं दोस्तों, जिससे हमारे पशुओं को हीट में आने में बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए जो है आज इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, और इसे जो है हमें एक बर्तन में ले लेना है जिसमें हम अन्य सामग्रियाँ मिलाएँगे। तो चलिए इसमें हम इसे डाल देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है भिलावा। ये जो भिलावा होता है दोस्तों, इसमें ऐसी खासियतें होती हैं जिससे हमारे पशुओं को तुरंत हीट में लाने में मदद करता है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भिलावा है दोस्तों। इसे जो है आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर आसानी से खरीद सकते हैं और दाम में ये बहुत ही सस्ती होती है दोस्तों, इसलिए जो है इसमें खर्च बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें से एक हमें लेना है दोस्तों और इसे जो है कूट करके हमें इस्तेमाल करना है, ताकि इसे जो है हमारे पशुओं को खाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इतना मैंने इसे कूट लिया है, चाहे तो आप इसे और भी कूट सकते हैं। और उसके बाद इसे अंकुरित गेहूं में डाल देना है। और उसके बाद हमें लेना है दोस्तों लगभग एक पाव के आसपास सरसों का तेल। ये जो सरसों का तेल होता है दोस्तों, इसमें जो है हमारे पशुओं को हीट में लाने के लिए बहुत सारे गुण होते हैं। एक तो ये तासीर में गर्म होता है दोस्तों, जिससे हमारे पशुओं को हीट में आने में मदद मिलता है। साथ में ये जो सरसों का तेल होता है दोस्तों, ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेट में कोई भी समस्या है तो उसको ठीक करने का काम करता है दोस्तों, जिससे हमारे पशुओं को जो है हीट में आने में भी मदद मिलती है। तो इसे जो है दोस्तों इसमें डाल करके हमें जो है अच्छे तरीके से मिलाना है, और उसके बाद दोस्तों ये मिश्रण तैयार है। अब हम इसे जो है अपने पशु को दे सकते हैं। इसे देने का तरीका ऐसा दोस्तों कि इसे जो है हमें अपने पशु को जो है दिन में एक बार देना है, और एक दिन के अंतराल में इसे जो है दोस्तों चार बार देना है, यानी कि 8 दिन में दोस्तों इसका जो डोज है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा और हमारा जो पशु है दोस्तों बहुत ही जल्दी हीट में आ जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज वीडियो में, और ऐसी जानकारियाँ और भी चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। तो आज वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।